2015 से मुझे समझ ही नहीं आता था, मुझे लगता था कि इचिंग है, कभी मुझे लगता था लाइस है, इस वजह से इचिंग हो रही है, तो उस वजह से मैं काफी प्रॉब्लम में ऑल एक्सपीरियंस विद द मेडिसिन ट्रांसफर टू हेयर बिकॉज़ यू आर नॉट गेटिंग एनी ओरल मेडिसिन टू ईट है ना. मतलब एट फर्स्ट ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब सरप्राइजिंग था कि विदाउट एनी मेडिसिन कैसे हम ट्रीटमेंट मिल रहा है हमको. बट व्हेन आई यू नो स्टार्टेड टू पुट अ फेथ कि हां मेरे को 1 मंथ आई विल सी व्हाट विल हैपन, तो 21st को आई गॉट अ कॉल एंड देन शी आस्क्ड मी व्हाट यू आर फीलिंग. मैं जनरली ऐसा कुछ फील नहीं करी थी बट व्हेन शी आस्क्ड मी तो मुझे लगा कि ओके आई एम नॉट फेसिंग दीज इश्यूज अगेन. तो फिर मुझसे मतलब वही फीडबैक के लिए फीडबैक के लिए कॉल ले रहे थे कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट हो रही है. तो फिर मेरे को लगा नहीं, नेक्स्ट मंथ में मेरी थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हुई उस चीज़ को लेकर. एंड ऐसा नहीं है कि बंद हो गया तो मेरी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई है. वो आपने फाइनेंशियल क्रंचेस की वजह से अपने बंद कर दिए थे जी. हाँ मतलब थोड़ा सा कोविड का भी इशू हो गया था, फिर उसके बाद बहुत सारा मार्च में फरवरी में फिर ये मार्च में सारा चीज हो गया. ठीक है.